धान खरीदी के लिए 3 टोकन किसानों को जारी किए गए हैं, लेकिन किसानों की धान फिर भी नहीं बिक पाई है। किसान चौथे टोकन की मांग कर रहे हैं और साथ ही धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी पूरी उपज बिक जाए। अपनी मांगों को लेकर महासमुंद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर का घेराव भी किया। आपको बता दें कि महासमुंद जिले में 127 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से लगभग 67 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई है। 1,34,247 किसानों ने सोसाइटी में पंजीयन कराया है। धान खरीदी में केवल 2 दिन शेष हैं और लगभग 8,000 किसान अभी भी अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। 3 टोकन के बाद किसानों का धान नहीं, 3 टोकन में भी हमारे किसानों का धान नहीं बिक पाया है और समिति प्रबंधक की गलती के, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से पूरे के पूरे किसान भटक रहे हैं। फिर जो कूपन है निकल रहा है ना, इस कारण हम लोग आए हैं, कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, नहीं करता है तो हम अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। और सभी ब्लॉकों में निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का धान खरीदी जिसकी किसी कारण से रुकी है, अगर वो पात्रता रखता है तो उसकी धान खरीदी की जाएगी।